तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं हम आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। हमने लास्ट क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्योरिकल पार्ट को कवर किया था और आपको मैंने एक आर्टिकल दिया था स्टडी करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने उसको देखा होगा क्योंकि बीच में काफ़ी सारी छुट्टियाँ थी तो आपने शायद देखा होगा उसको। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, हाउ कैन डिक्लेयर द माइक्रो। तो जैसे कि आप रिकॉर्ड करते हो तो आप डेवलपर में जाके रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप कहीं पे माइक्रो विजुअल बेसिक पे जाके माइक्रो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन। तो माइक्रो को लिखने से पहले, कोड करने से पहले या रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहली प्रिपरेशन होती है कि आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब डिफॉल्ट अनहाइड होता है, इसको लाने के लिए आपको फाइल मेनू बार के ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ आपको कस्टमाइज रिबन में, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल हो जैसे 13, 16, 19 हो तो यहाँ डेवलपर मिलता है, अगर आपके पास 2007 हो तो यहाँ जनरल में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डेवलपर टैब आने से क्या होता है कि आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है कि फाइल को सेव करना है किसमें, यहां माइक्रो अनेबल वर्कबुक। देखिए डिफॉल्ट यहां पे आपका सिलेक्ट होता है .xlsx, मैंने मेरे सिलेक्ट है xlsm, बट आप में xlsm सिलेक्ट होगा, डिफॉल्ट सिलेक्ट यही होता है। तो ये क्या है, ये माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, इसमें माइक्रो नहीं होता है। तो ये आपका .xlsx क्या होता है, माइक्रो डिसेबल फाइल होता है। तो अगर आपने गलती से इसमें अपनी फाइल को सेव कर दी तो आपकी माइक्रो रिकवर नहीं होगी, इसलिए फाइल को हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में रखना चाहिए। तो आपको सेव करने से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम लोग माइक्रो को बड़ी मुश्किल से रिसर्च विचर्च और बाकी कोड करके बनाते हैं, शुरुआती में ही होता है, और आप भूल जाते हैं से सिलेक्ट करना xlsm और गलती से फाइल को xlsx में फाइल को सेव कर देते हैं, आपका पूरा माइक्रो लॉस्ट हो जाता है। यहां डिफॉल्ट आपका सेम रहे इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में आना है, सेव पे आना है और यहां आपका माय फाइल का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर माइक्रो अनेबल फाइल है तो नॉर्मल फाइल नॉर्मल डेटा को कैसे करें। देखिए XLSM फाइल नॉर्मल फाइल को, नॉर्मल डेटा को भी कैरी करता है और VBA प्रोग्रामिंग को भी कैरी करता है, दोनों का कैरी करता है। तो आपके अंदर अगर इसके मान लीजिए VBA प्रोग्रामिंग है तो ठीक है, नहीं है नॉर्मल डेटा है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये आपको वन टाइम ही जो चीजें बता रहा हूँ आपको ये वन टाइम ही करना है, माइक्रो सिक्योरिटी में जाके अनेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल ऑल माइक्रो विथ नोटिफिकेशन होता है, डिसेबल ऑल माइक्रो विथ नोटिफिकेशन। ये क्या होता है कि आपने अगर इसका यूज किया तो क्या होगा, आपकी माइक्रो फाइल वर्क तो करेगी लेकिन जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे आपको वहां पे एक अलर्ट देगा, आपसे एक पूछेगा अनेबल द माइक्रो, एक अलर्ट देगा। उससे बचने के लिए आप डिसेबल माइक्रो, और बहुत सारे इवेंट माइक्रो वगैरह वर्क नहीं करेगा, सो रिक्वायर है वहां। तो तीन चीजें जो करनी है आपको फर्स्ट टाइम करना है, एक ही बार एक पीसी में एक ही बार करना होगा, ऐसा नहीं है कि जब भी माइक्रो यूज करते ही करना पड़ेगा, नहीं। और हो सकता है कि आप लोग माइक्रो यूज कर रहे हैं तो पहले से आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। अब बात करते हैं यहां पे कि माइक्रो डिक्लेयर कैसे करें।
तो जैसे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का खुलेगा। मेरा तो आधा मैंने छोटा स्क्रीन खुल रहा है, बट आप लोगों का बड़ा स्क्रीन खुलेगा कुछ इस तरह से। देखिए तो अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग कहाँ का। देखिए जैसे कि ये जो बोलते हैं नेविगेटर, इसको बोलते हैं वीवी एडिटर, विजुअल बेसिक एडिटर वीवीई। तो इसमें तीन सेक्शन है, आपका प्रोजेक्ट, इसका प्रॉपर्टीज और ये आपका कोड विंडो। तो यहाँ पे जितने भी फाइल ओपन होंगे, उस फाइल में जितने भी शीट्स होंगे सबका लिस्ट आपको यहाँ दिखेगा। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको यहाँ तीन चीजें चाहिए। पहला चाहिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये आपको यहाँ से आता है। अगर मान लीजिए हटा हुआ है तो कंट्रोल आर कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए या व्यू में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये नेविगेशन का काम करता है, आपको नेविगेट करता है कि आपको कहाँ जाना है। और जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा नीचे प्रॉपर्टी में आएगा। अगर प्रॉपर्टी का जो ये बार है आपके पास नहीं मिला तो आप इसमें जो है क्लिक कीजिए इस आइकन पे, और इसका शॉर्टकट F4 होता है, या फिर व्यू में जाए और व्यू में आप जो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे प्रॉपर्टीज विंडो पे क्लिक करें। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ आएंगी। प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं, और फाइल में जितने भी फाइल ओपन होगा उतना यहाँ फाइल का लिस्ट होगा इस तरह से। और जिस फाइल पे आप कोड करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए, उसके अंदर जितने भी शीट्स हैं सारे शीट का लिस्ट मिलेगा। अब बात आती है कोड कहाँ पे करें। क्या हम शीट वन पे डबल क्लिक करें और ये जो वाइट एरिया है इस पर कोड करें? लेकिन यहाँ पे कोड करना सही नहीं रहेगा। हालांकि कोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि इसकी जो कोडिंग है ये शीट वन के अंदर सेव हो जाएगी, और शीट वन में किसी ने डिलीट कर दिया तो फिर आपका कोड भी डिलीट हो जाएगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हम दूसरे किसी शीट या फाइल से लिंक नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग हमेशा मॉड्यूल में करते हैं। मॉड्यूल कहाँ से आता है? ऊपर इंसर्ट मेनू बार आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट पे हमने क्लिक किया मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है कि फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है और हम इसी पे अपनी मैक्रो बनाते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक सब। पब्लिक इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सब भी लिख सकते हैं, सब। और यहाँ पे माइक्रो का नेम कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर मारिए, ये नीचे एंड सब ऑटोमेटिक आएगा। अब जो भी कोडिंग करना है मुझे इनके बीच में ही करना है। आप देखेंगे अपने यहाँ प्रोग्राम में, तो यहाँ पे देखिए आरआर नाम का माइक्रो लिस्ट में माइक्रो आ गया। रन करने पे ये वर्क करेगा, अगर इसके अंदर जो कोड डली हुई है कोड परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अभी देखा आपने मैंने कैप्स में लिखा था, स्मॉल में लिखा था। प्रोग्रामिंग चाहे जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लेटर करे या स्मॉल लेटर करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइटल केस में नहीं करना है। रीजन जैसे हमने लिख दिया MSG बॉक्स, हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, जैसे एंटर मारूंगा मेरा M बड़ा हो जाएगा। M बड़ा हो गया इसका मतलब है कि एक कोड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने टाइटल, अगर आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें एम हमारा बड़ा नहीं हुआ, मेरे फर्स्ट लेटर टाइटल केस में नहीं गया, मतलब कि कोड एग्जिस्ट नहीं करता, गलत। तो अगर आप टाइटल केस में लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि कोड आपका सही है गलत है। इसलिए आप स्मॉल लेटर में करें या आप कैप्स लेटर में करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइटल केस में कोडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे पब्लिक सब या सब कीजिए, आपका माइक्रो बन जाएगा। माइक्रो जो है इसी बीच में आता है। अब आते हैं माइक्रो के नेम के अंदर। माइक्रो के नेम में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं टेस्ट, नेम दे सकते हैं लेकिन नेम के भी कुछ रूल्स हैं। टेस्ट अंडरस्कोर यहाँ पे सॉरी स्पेस टुडे, तो इसके जो स्पेस डाला है एक गलत है, एड नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। माइक्रो नेम के अंदर में स्पेस डॉट कॉमा डेसिमल डैश प्लस ऐसे साइन एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं स्पेशल करेक्टर में सिर्फ जो है ना अंडरस्कोर ही एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा थ्री डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक का नाम नहीं होती, जैसे राज वन ये नाम नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है,
आप जैसे इसको रन करने के लिए जाएंगे, यहाँ देखिए राज वन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि राज वन नाम का ऑलरेडी एक रेफरेंस है, इसलिए मैक्रो रन ही नहीं होगा। इसलिए राज वन इस तरह के थ्री डिजिट में, जैसे कि आपके यहाँ पे आइए ना लास्ट में जाते हैं तो एक्स एफ डी तीन लेटर है, तो तीन लेटर एंड न्यूमेरिक आप यूज ना करें तो बेटर रहेगा। अगर करते हैं तो उसके बीच में एट द रेट वगैरह दे दें तो सही रहेगा। एक नाम के दो माइक्रो एक मॉड्यूल में एक फाइल में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि सी हो गया, सी जैसे वर्ड जो है, सी नाम का माइक्रो ना होना चाहिए, वो रिजर्व वर्ड होता है, कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड है वो आपका आप जैसे रन करेंगे आपको वहां पे ऐड कर देगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। माइक्रो कितने तरह के होते हैं, तो इस तरह से मतलब है कि उसका स्टोर कहाँ होता है। सबसे पहला है पब्लिक माइक्रो। जब आप माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं या कोड करते हैं, मॉड्यूल्स में डालते हैं, तो वो उसी फाइल की डिस्क वर्कबुक उसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव करता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी जो आराज वन नाम का माइक्रो बनाया है, ये माइक्रो जहां जहां मेरी ये फाइल जाएगी, जो बुक वन है, बुक वन जहां जहां ट्रेवल करेगी वो सब जगह मेरा आराज वन जो ट्रेवल करेगा, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, जो फाइल को एक्सेस कर सकता और इसको एक्सेस कर सकता है। अगर हम बात करें कि हम दूसरी फाइल पर रन करना चाहे तो इस माइक्रो राज वन माइक्रो को आप दूसरे फाइल पर भी रन कर सकते हैं, इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो कहा गया है। लेकिन दूसरे फाइल पर रन तभी तक होगा जब तक कि आप बुक वन को ओपन किए हुए, मतलब कि जो माइक्रो वन आपका फाइल वन में स्टोर किया गया है, तो माइक्रो वन को तभी आप किसी भी फाइल में रन कर सकते हैं जब तक कि आपका फाइल वन ओपन है। फाइल वन को आपने क्लोज कर दिया तो आप फाइल टू के लिस्ट में ये माइक्रो दिखेगा ही। सो नीड टू ओपन ऑलवेज योर माइक्रो फाइल। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, अगर मान लीजिए मुझे एक्सेल शीट का एक्सेल के फीचर्स की तरह, मतलब जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे आपका पेपर टेबल है, इस तरह का ऑप्शन क्रिएट करना है, या फॉर्मूले हैं इस तरह का ऑप्शन क्रिएट करना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें रन करने से पहले वो फाइल को ओपन करना होगा, फिर रन करना होगा। तो उसका सलूशन है, दो सलूशन है। पहली सलूशन है कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसको पर्सनल माइक्रो वर्कबुक पर रखें, पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, या दूसरा है एडिंस के फॉर्मेट में रखेंगे। तो इससे होता क्या है कि इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग आपकी ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है या आपकी पीसी में सेव होता है, वो किसी फाइल के बैकग्राउंड के अंदर सेव नहीं होता है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यही होता है कि आप किसी भी फाइल में उसको रन कर सकते हो। तो इसको तो पब्लिक माइक्रो होना चाहिए कि हम किसी भी फाइल में बिना रोक टोक के यूज कर सकते हैं, लेकिन बात है कि सिर्फ आप अपने पीसी पे ही कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने पर्सनल माइक्रो, मान लीजिए कि पर्सनल माइक्रो वन हमने बनाया अपने कंप्यूटर वन पे, वो कंप्यूटर टू पे रन नहीं करेगा क्योंकि उसकी सारी कोडिंग कंप्यूटर वन पे है, कंप्यूटर टू पे सो ही नहीं होगा। सो पर्सनल माइक्रो हम यूज करते हैं, तो पर्सनल माइक्रो के जगह पे हम बात करते हैं एडिंस की। एडिंस भी एक तरह का वही होता है, एडिंस क्या होता है, इसे मान लीजिए कि सुधीर जी को आपने बोला कि मेरे लिए 10 फॉर्मूले बना, और वो 10 फॉर्मूले बनाने के बाद आपको देगा कैसे। तो सुधीर जी आपको जो है वो एडिंग्स बना के देगा, अब आपको जो है आप अपने पीसी में अपने हिसाब से उसको ऐड कर लीजिए, तो वो आपके हर फाइल के ऊपर वर्क करेगा। जी हाँ, हर फाइल के ऊपर वर्क करेगा। एडिंस के बारे में विस्तार में आपको जो क्लासेस लाऊंगा तो समझाऊंगा।
ओके। तीसरा होता है हमारा इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो, अब देखिए आप रास्टर मैक्रो बनाए, एडिंस बनाए या पब्लिक मैक्रो बनाए, रन करने के लिए आपको यहां ट्रिगर करना पड़ेगा। रन करने के तरीके के जो तरीके हैं वो तरीके आपको यूज करने पड़ेगा। जैसे तरीका में आपका है बटन पे क्लिक करना, शॉर्टकट यूज करना, या मैक्रो में लिस्ट में जाए करना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मैक्रो मेरे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली रन हो जाए। जैसे कि मैं डबल क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, मैं फाइल ओपन करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, मैं राइट क्लिक करूं तो मैक्रो रन हो जाए। इस तरह की इवेंट कि मेरे किसी इवेंट पे मेरा फाइल मेरा मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, उसके लिए हम इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्रो के तीन टाइप होते हैं, पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो। पब्लिक मैक्रो, अभी ये चीज़ बताना क्यों जरूरी है आप लोगों को, बताने का पर्पस ये होता है कि मैक्रो डिफाइन करने से पहले आप अपने इसको देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उसके हिसाब से आप चूज करें कि हम क्या बनाए। जैसे कि आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो हर फाइल में हम कुछ कर सके, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पेस्ट स्पेसर टाइप का ऑप्शन, तो चूज द एडिंस। प्रोसेसर मैक्रो को रिकमेंड नहीं करेंगे हम, एडिंस की रिकमेंड करेंगे। आप चाहते हो कि फाइल में एक्सपायरी डेट लग जाए, फाइल ओपन करूं तो वेलकम मैसेज दे, या पासवर्ड ये मांगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगे, सीट इंसर्ट करने पे नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाए वगैरह वगैरह, तो आपके वो इवेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो हम वो इवेंट मैक्रो को चूज करें। बाकी कोडिंग तीनों में सेम चलता है, कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैक्रो का टाइप डिक्लेयर करने के समय इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम पब्लिक मैक्रो, हमारा सबसे ज्यादा 90% हम पब्लिक मैक्रो को यूज करते हैं, तो पब्लिक मैक्रो को पढ़ेंगे। तो मैक्रो डिक्लेरेशन आपको समझा दिया कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैक्रो के बाद अब बात करते हैं फंक्शन डिक्लेयर का। तो फंक्शन के लिए सबके जगह पे फंक्शन लिखते हैं, नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया URT, उसके बाद हम यहाँ इनपुट देते हैं। जैसे कि आप इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इफ के फॉर्मूला में तीन इनपुट है ना, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। ऐसे VLOOKUP लगाते हैं तो उसके चार इनपुट्स हैं। ऐसी जो फॉर्मूला बना रहे हैं तो फॉर्मूला लगाते समय आप कितने इनपुट देंगे वो डिक्लेयर करना होता है आपको। अब जो भी कोडिंग करेंगे इसी के अंदर में करेंगे। आप देखेंगे सीट पे तो आपको यहाँ पे URT नाम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यहाँ मॉड्यूल्स में करते हैं। अब बात करते हैं कि हमने मान लीजिए, चलिए हमने एक सब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, तो हमें पहला वर्ड क्या लिखना है, सबसे पहला वर्ड। देखिए जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका सबसे पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, मोस्टली हमेशा, हर वर्ड में हर सेंटेंस में तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली जो होता है नाउन या प्रोनाउन। अब अपना वर्ड सेंटेंस जो है नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं मोस्टली। उसी तरीके से यहाँ पे हम जो भी करते हैं इसमें, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मेनली चार ऑब्जेक्ट ही कोड में है, आप कहीं भी देखेंगे ना सर, तो ये चार में से कोई एक से आपका मैक्रो, मोस्टली मैक्रो स्टार्ट, मैक्रो लाइन, मैक्रो की कोड जो है लाइन ऑफ कोड वो स्टार्ट होता है। जैसे एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, शीट्स एंड रेंज,
अगर मान लीजिए एप्लीकेशन की चीज सेटिंग चेंज करना है, जैसे डिस्प्ले अलर्ट को हटाना है, स्क्रीन अपडेटिंग को हटाना है, कुछ सेटिंग चेंज करना है जो एप्लीकेशन को इफेक्ट करता है, तो हम कोर एप्लीकेशन से लेंगे। वर्कबुक, अब किसी को फाइल को खोलना है, सेव करना है, मतलब जो हम इफेक्ट करने वाले हैं वो किसी फाइल को रिलेट करती है, तो हम वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। हम जो काम करने वाले हैं वो शीट्स को इफेक्ट करती है, तो शीट्स पे गार्ड करेंगे, और रेंज पे करती है तो रेंज से। इसके भी और भी जैसे वर्कबुक में एक्टिव वर्कबुक, शीट में शीट्स, एक्टिव शीट्स, रेंज में रेंज, सेल्स, सिलेक्शंस होते हैं, इसी के पैरवाची और एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। लेकिन मेनली चार है, इसको फोर पिलर ऑफ वीवीए प्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है। तो कैसे डिफाइन होगा, तो आपको उसके लिए एल्गोरिदम तैयार करना होगा। जी हाँ, एल्गोरिदम। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा काम करना है, हमें सबसे पहला करना है क्रिएट न्यू फाइल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एल्गोरिदम तैयार कीजिए आप यहाँ पे, एल्गो स्टार्ट क्रिएट न्यू फाइल सेव फाइल डी ड्राइव एज ए डेटा। Add new sheets. Name with select 81. Enter name. Select D1. ये मुझे मालूम, ये एक मैक्रो बनानी है जिसमें ये काम करवाना है कि एक फाइल को क्रिएट करे, फाइल को क्रिएट करे यहाँ पे सेव एक मैक्रो तैयार करना है जिसमें एक नई फाइल को क्रिएट करे, उस फाइल को डी ड्राइव में एज ए डेटा नाम से सेव करे, उसके अंदर एक नई शीट ऐड करे, उसको रीनेम करे अपडेट नाम से, सिलेक्ट A1 को सिलेक्ट करे, नेम डाले, B1 को सिलेक्ट करे सिग्निफिक अमाउंट, और फाइल को सेव करे, फाइल को क्लोज करे। अब क्या है स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, हमने मैक्रो को डिक्लेयर किया। मैं नीचे करता हूँ, सब test 2 bracket open close create a new file। अब create a new file तो हमें workbook पे इफेक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पे workbook यूज करना होगा, workbooks.add क्या आता है, save file। अब file को ही save करना है, मतलब कि वापस workbook को इफेक्ट कर रहा है, तो यहीं पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, अब सेव करने का कोड या किसी भी कोड को लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए क्या होता है एक्सेल में, वर्क बुक्स, पहले आप लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट की डिटेल कि आपका बुक वन है या बुक टू है, उसकी डिटेल xlsm, फिर उस पर क्या करना है इवेंट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मेंबर, तो हमें इसका सेव एज करना, मेंबर की डिटेल, तो मुझे यहां डी ड्राइव में 123.xlsx नाम से फाइल को सेव करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये दोनों कोड एक साथ चलेंगे, एक कोड, ये जो नीचे वाला कोड है डिपेंडेंट ऊपर वाले कोड से, यहां पे आपको सिचुएशन को भी समझना होगा। सिचुएशन इन द सेंस कि वर्कबुक डॉट ऐड आपने कर लिया, तो जो वर्कबुक ऐड हुआ है उसका नाम बुक वन हो इसकी गारंटी तो नहीं है ना, तो ये आपका इस कोड के बाद जो एक कोड रन होगा वो बुक वन को खोजेगा, बुक वन उसको मिलेगा नहीं और यहां पे आपको एरर दे देगा।
सो आपको एक तो कोड को, कोड के स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना ही है, साथ में सिचुएशन को भी फॉलो करना है। तो कोड लिखने का तरीका है कि वर्कबुक, वर्कबुक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, एक्शन, और यहां पे डिटेल्स, इसके बाद एक्शन। यह कह सकते हैं कि कहां पे, ये हो गया आपका लोकेशन कि कहां पे और क्या करना है, सिंपल सी बात। लेकिन सिचुएशन नहीं इसको फॉलो कर पा रही, क्योंकि हमारे पास मैक्रो नेम नहीं है। तो सिचुएशन कहती है कि जब आप फाइल को, नई फाइल क्रिएट करते हैं, वो फाइल ही एक्टिव होती है। तो यहाँ पे आप वर्कबुक का, वर्कबुक्स का दूसरा कोड एक्टिव वर्कबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कोड नहीं चलेगा, मैं इसको डेट कर देता हूं, कमेंट में कन्वर्ट होकर डेट होगा। मतलब कि वर्कबुक को एक्टिव वर्कबुक भी लिख सकते हैं। तो अब ये चलेगा। अब क्या है कि दूसरा नंबर कोड जो है डिपेंडेंट है पहले नंबर कोड पे। जब एक नई फाइल ऐड होगी तो यहां पे इसको सेव कर दिया जाएगा। अब यहां आता है ऐड न्यू शीट्स। तो सेम सिचुएशन यहां भी होगी कि शीट्स डॉट यहां पे शीट्स डॉट ऐड, और जो शीट ऐड हुई है उसको रिनेम करना है। तो शीट को भी रिनेम करने का होता है कि शीट्स, शीट्स का नाम कि क्या, कौन सा शीट है, शीट वन, शीट टू, डॉट नेम इक्वल टू यहाँ पे अप्रैल कर। लेकिन यहां पे दिक्कत है कि शीट वन ही होगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि जो शीट ऐड हुआ है वही एक्टिवेट होगा। तो यहां पे हम कर देंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू अप्रैल। अब बात आती है सिलेक्ट ए वन। अब किसी रेंज को फॉलो करना है, तो यहां रेंज मतलब कि देखिए एप्लीकेशन, मतलब कि सॉफ्टवेयर को सेटिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेशन से होता है। आप एक फाइल को कर रहे हैं तो वर्कबुक से होता है। एक शीट्स को कर रहे हो तो शीट्स से होता है। और एक रेंज ए वन, वी वन, सी वन, ऐसे रेंज को करना है तो रेंज से होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट ए वन, हम यहाँ लिखना होगा कि रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट यहां पे एंटर नेम है तो यहां पे सिलेक्शन या एक्टिव सेल भी कर सकते हैं, एक सिंगल सेल इसलिए एक्टिव सेल भी लिख सकते हैं या सिलेक्शन भी लिख सकते हैं। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। टेस्ट यहां पे ए वन की जगह पे हो जाएगा वी वन, और यहां सी वन, और यहां वी वन, नेम की जगह पे रॉल, और यहां पे मार्क्स। और फाइल को सेव करना है तो फाइल एक्टिव ही है, यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए एक्टिव, क्योंकि जिस पे अभी काम हो रहा है, काम हो रहा है तो एक्टिव होगा ही होगा। तो एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक होता है, बुक होता है सिर्फ सेव। और क्लोज करना है तो यहाँ पे वर्क बुक या एक्टिव वर्क भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव वर्क बुक है, फाइल का नाम तो पता नहीं है या है तो ऊपर से लिखना पड़ेगा। तो एक्टिव वर्क बुक भी ध्यान रख सकते हैं इसे डॉट। तो हमने अपना एल्गोरिथम को फॉलो किया और हमने कोड लिखा। तो उससे देखिए एल्गोरिथम ने हमको क्या दो चीजें सपोर्ट की। पहली कि हमें
कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है ये डिफाइन कर दिया। दूसरा स्टेप, स्टेप मतलब कि हमें पहले सीट को ऐड करना है फिर रिनेम करना है। अगर आप मन से कोडिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले कोड कर दे रिनेम का और फिर आप सीट ऐड करने का नंबर डाले, कोड डाले, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है ना सर, कोड गड़बड़ हो सकता है। तो एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक मोटी सी रजिस्टर ले, मोटी सी रजिस्टर जो आपके डिपार्टमेंट में होती है, उस रजिस्टर के ऊपर आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका एल्गोरिथम और कोड दोनों। देखिए अगर आप अपने कोड्स को डायरी में मेंटेन करते हैं तो बहुत बेनिफिट है। अब पीसी में सारे कोड्स याद करने मुश्किल है। अब कभी कोई प्रोग्राम बना रहे हो किसी कोड को भूल गए लेकिन आपको याद है कि कोड आपने इससे पहले यूज किया था, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है कभी कभी। तो रजिस्टर में लिखने से क्या होता है कि रजिस्टर और डायरी आपके सामने साथ हमेशा रहता है। अगर ऑफिस में जाएंगे तो डायरी लेके जा सकते हैं लेकिन अपना लैपटॉप लेके नहीं जा सकते, पर्सनल लैपटॉप, ऑफिस के लैपटॉप लेंगे। और ऑफिस में है तो घर पे कुछ बना रहे हो तो ऑफिस का लैपटॉप घर भी लेके आ सकते हैं, अगर परमिशन है तो ला सकते हैं, अगर नहीं ला सकते। तो दूसरी चीज और भी होती है, हम लोगों का जो बचपन वाले टीचर थे, हमारे मास्टर साहब थे, वो करते थे कि लिखने से याद होता है, ये भी एक बेनिफिट होगा, लिखेंगे तो याद होगा। दूसरी चीज क्या होता है कि अगर आपने कोड लिखा और कोड के आगे आप अपने जैसे आपने लिखे एल्गोरिथम और इसके आगे आपने कोड लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि किस लाइन का कोड आपको नहीं आ रहा है। तो पहले उस लाइन के कोड पे आप रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, देन बनाए। ऐसा नहीं कि आपने मैक्रो बनाना शुरू कर दिया, आधा मैक्रो बना लिया, बीच में पता चला कि यार मैं तो फिल्टर लगाने का कोड पता ही नहीं है। अब फिल्टर लगाने का कोड पता करो, अगर पता नहीं हुआ तो बाकी सारा वेस्ट है। सो एल्गोरिथम के सामने ही कोड को लिख दे जिससे पता चलेगा किस लाइन का कोड आपको नहीं आता। अब कुछ लोग इस एल्गोरिथम को हल्के में लेते हैं। अब चलिए मान लीजिए सुधीर जी आप अपना माइक्रो बना रहे हो तो उस फाइल के सारे प्रोसेस पता है, आप एक फाइल को ऑटोमेट कर रहे हो, वो आपका अपना फाइल है, उस पर आप डेली काम करते हो, तो यू नो वेल कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से डेटा उठाना है, कहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है वगैरह वगैरह, ये आपको पहले से पता है। लेकिन मान लीजिए हेमा जी ने आपको एक काम दिया, तो हेमा जी ने बताया कि मैं फाइल में जाता हूँ, डेटा यहाँ से उठाता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, अब उन्होंने 50 चीजें बता दी और सारी की सारी चीजें याद तो नहीं रहेगी। उस समय अगर आप एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, बताते जाएंगे, एल्गोरिथम बनाते जाएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एल्गो जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुधीर जी सर कोई तो प्रॉब्लम है? हेमा जी सही समझ में आ गया, तो प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है ना आपको? बिल्कुल 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 सर, मैं तो हल्का सा थोड़ा डॉट नेट का टच भी है बहुत पहले से, तो कहीं कहीं हल्का सा। बाकी सबको आ रहा है ना सर? बुद्धि सिंह जी आपको आ रहा है, हेमा जी, कंचन जी? जी सर जी। चलिए तो हम यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद हम आएंगे और हम फिर प्रोग्रामिंग कोड कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 4 ऑब्जेक्ट मैंने बताया इसमें से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप लोग भी एक बार रिसर्च कर लें कि कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। 5 मिनट में हम वापस कनेक्ट होते हैं। ओके ओके थैंक यू।